नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज की रेसिपी है ड्राई फ्रूट मावा गुजिया और इसी के साथ ही आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें मैं 3 टीस्पून ऑयल डालूंगी। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और घी ऐड करने के बाद अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसलते हुए आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुका है, ये देखिए आटा अपने आप बनने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक टाइट आटा गूंथेंगे, जैसा कि पूरियों के लिए हम गूंथते हैं। आटे को बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, टाइट आटा गूंथना है। ये देखिए आटा मेरा गूंथ के रेडी हो चुका है। अब इस आटे को हम यूं ही ढककर रख देंगे। ये देखिए इतना आटा गूंथने में मेरा 1/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है और ये आटा अब हमारा ढक करके रख दिया। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर पैन में मैंने 1 चम्मच घी का ले लिया है। घी के गर्म होते ही हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे खसखस के बीज। मैंने यहाँ 1 चम्मच खसखस के बीज ले लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं, इसे पोस्ता का दाना भी कहा जाता है। और इसे हम लगभग आधी मिनट ही भूनेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम चॉप करके रखा हुआ था, रफली चॉप्ड हैं, इन्हें भी हम ऐड करके भून लेंगे। ये तकरीबन 1 मिनट हम भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ ये नारियल। ये मैंने ग्रेटर पे किया है इसे कद्दूकस, तो ये इसके फ्लेक्स थोड़े मोटे हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक ये अच्छी खुशबू ना आने लगे और हल्के से ये ब्राउनिश ना होने लगे। ये देखिए ये होने लगे हैं ब्राउनिश। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे ये नारियल का बुरादा, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। ये ऐड करके जैसे ही हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब ये मिक्सचर को अच्छे से हम मिला करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पे हम इसे डिश आउट कर लेंगे एक दूसरे बाउल में और बाकी के इंग्रेडिएंट स्टफिंग में हम बाउल में ऐड करेंगे अपने। देखिए ये मेरा मिक्सचर बहुत ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मावा या फिर खोआ। ये घर पर बना हुआ खोआ है और इसे मैंने भून लिया था। अब भुने हुए खोए को हम इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से चम्मच से मिक्स करते हुए हम इसे एक साथ कर लेंगे। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिक्सअप कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी स्वाद अनुसार ऐड कीजिए। और चीनी हम इसमें ऐड करेंगे खिले दाने वाली चीनी, यानी जिसे हम रवा चीनी भी कहते हैं, वो चीनी ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्सचर को मिक्सअप कर लेंगे। और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर ऐड करने के बाद भी हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये मिक्सचर अब रेडी हो चुका है मावा और ड्राई फ्रूट्स का। अब हम अपने आटे को जिसे ढककर रखा था बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसे चिकना कर लेंगे। और अब इस आटे से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें से लोई तोड़ेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इन पेड़ों को हम बेलेंगे। हमें इसे डीप फ्राई करना है गुजियों को, इसीलिए हम बहुत पतला इसका पूरी नहीं बेलेंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसे बेल लेंगे हम। और बेलने के बाद आपके पास अलग अलग तरीक़ों के सांचे आते हैं, आप उन सांचों पे भी बना सकते हैं, हाथों से फोल्ड करके भी इसे बना सकते हैं। इस तरीके के सांचे पे हम अपने बनाए हुए रोटी को फैला लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से इसमें गड्ढा बना लेंगे और उसमें हम डालेंगे अपनी स्टफिंग। थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग हम इसमें रखेंगे और फिर इसे हम सील कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से दबा लेंगे। आप चाहें तो किनारों पर पानी लगाकर भी सील कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा गुजिया रेडी है। इसी तरीके से हम सभी गुजियों को तैयार कर लेंगे। तेल हमें बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है, फिर हम इसमें गुजिया एक एक करके डालेंगे। डालते वक्त हमारा जो गुजिया का सील्ड वाला एंड है उसे हम पहले तेल में डालेंगे। इससे ये होता है कि गुजिया फटती नहीं है, क्योंकि सील्ड वाला एंड तुरंत कुक हो जाता है और वो वहीं सील्ड हो जाता है, तो गुजिया के अंदर की स्टफिंग बाहर फटकर नहीं निकलती है।
सावधानी पूर्वक इस तरीके से पलटते हुए हम दोनों तरफ इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी गुजिया बिल्कुल अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से सभी गुजियों को तल के रेडी कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।